नमस्कार, इंडीसी न्यूज की खास पेशकश क्राइम अलर्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। संतरों की वजह से मशहूर नागपुर आजकल बढ़ती क्राइम की वजह से भी मशहूर होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के अनुसार नागपुर देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ हत्याओं के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है, वही पटना पहले स्थान पर है। हैरत की बात तो यह है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नागपुर को सेफ सिटी का दर्जा दिया गया था। आइए जानते हैं कि इस एक साल में कैसे महाराष्ट्र की उपराजधानी क्राइम की राजधानी बन गई। नागपुर के इस बढ़ती प्रगति के साथ ही नागपुर में अपराधों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के अनुसार नागपुर देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ हत्याओं के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है, वही पटना पहले स्थान पर है। इन सारी चीजों को जानने के पहले आइए जानते हैं कि आखिर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो क्या है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिक समाधान और अपराधी गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके। भारत में अपराध, दुर्घटनाओं में होने वाली मौत और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी तथा फिंगरप्रिंट पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है। बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से एनसीआरबी ने बाल यौन शोषण के आंकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है। एनसीआरबी को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में देश में अपराधों की घटनाओं में 30% की वृद्धि हुई है। इसमें देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और दूसरों के बीच सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराध शामिल हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराध हरियाणा के बाद यूपी में बड़े पैमाने पर हुए हैं। राजद्रोह के मामले में हरियाणा के बाद असम में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। जम्मू और कश्मीर में देशद्रोह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में असम को छोड़कर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 1 लाख की आबादी के साथ सबसे ज्यादा हत्याओं में शहर को दूसरे नंबर पर रखा है, वही बिहार की राजधानी पटना सूची में सबसे ऊपर है। इसका सीधा मतलब है कि नागपुर की अब सीधी प्रतियोगिता पटना से है। बता दें कि पटना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 4.7 हत्याएं होती है, जबकि नागपुर में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 3.6 हत्याएं होती है। दिल्ली में दर 3.1 है, जयपुर में यह 3.0 है और लखनऊ में यह 2.6 है। मुंबई और पुणे इस मामले में देश के शीर्ष 20 शहरों में शामिल है। पुणे 13वें और मुंबई 17वें स्थान पर है। पुणे में प्रति 1 लाख आबादी पर 1.5 हत्या के मामले हैं। महानगरीय मुंबई में यह आंकड़ा सिर्फ 0.9 है। यह रिपोर्ट नागपुर पुलिस अधिकारियों के लिए एक झटके के रूप में आई है, क्योंकि शहर पुलिस द्वारा दिखाए गए डाटा अन्यथा दिखाई देते हैं। 2011 में 112 हत्याओं से लेकर 2016 में 95 हत्याओं तक नागपुर में हर साल अपराध में भारी गिरावट देखी जा रही है। वास्तव में 2019 में शहर ने 90 हत्याओं की सूचना दी। इसके अलावा 2015 में शहर में रिपोर्ट किए गए शरीर अपराधों के 10,000 से अधिक मामलों में नागपुर में 2019 में इस तरह की मामलों की संख्या घटकर 7,774 हो गई है और इस साल लगभग 6,000 ऐसे मामले सामने आए हैं, जो नागपुर पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है। यह उल्लेखनीय करना उचित है कि 2016 के आंकड़ों में शहर को दूसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन शहर की पुलिस द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद स्थिति बदल गई थी। पिछले भूलों और जनसंख्या की बाधाओं के कारण एनसीआरबी ने राज्य के गृह मंत्री के शहर को देश भर में हत्याओं के लिए दूसरे स्थान पर रख दिया, जिसमें शहर की पुलिस हैरान रह गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनसंख्या के मापदंडों की वर्तमान वर्ष के अपराध दर की तुलना दशकों पुरानी आबादी से करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नागपुर में अपराध दर में भारी गिरावट देखी गई है और हम अपने दावों को वापस करने के लिए डेटा को भी शामिल कर रहे हैं। राज्य की उपराजधानी ऑरेंज सिटी
टाइगर कैपिटल इन उपमाओं से अब तक नागपुर को पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नागपुर की पहचान के लिए और अतिरिक्त उपमा जोड़ी गई है जो अपराध स्टेट क्राइम कैपिटल है। नागपुर में अपराध रिपोर्टिंग में दो दशकों से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार नागपुर में बाहरी लोगों की संख्या अन्य महानगरों की तुलना में बहुत अधिक है। युवाओं के पास इसमें पैसा नहीं है। आपराधिक दुनिया के सभी गिरोह अहंकार और बदला की भावना से देख रहे हैं और इससे नए अपराधी पैदा होते हैं। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि लोगों को यह निराशा है कि पुलिस द्वारा उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए यह संभव है कि जब नागपुर में कोई झगड़ा टूटता है तो अपने आप से बदला लेने का रवैया फैल गया है। यह स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक लगती है, परंतु यह भी ध्यान देने वाली बात है कि नागपुर देश के बीचों बीच सीमा होने से अपराधियों की पहुँच व जमाव यहाँ ज्यादा होता है। इसके अलावा जहाँ औद्योगिकरण व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने लगता है वह अपराध बढ़ते देखे गए हैं। मिसाल के तौर पर 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड पनपने लगा था। 90 के दशक में पुणे में यही हालत देखी गई थी। जब कोई शहर महानगर के रूप में परिवर्तित होने लगता है और उसका व्यापक फैलाव होता है तो अपराध भी बढ़ने लग जाते हैं। जहां आबादी का घनत्व बढ़ता है यहां कमिश्नरेट का विभाजन होता है, लेकिन नागपुर में ऐसा नहीं किया गया। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में तीन बड़े पुलिस स्टेशन कामठी व हिंगना को नागपुर पुलिस आयुक्तालय में शामिल किया गया। दक्षिण नागपुर का बेसा बेलतरोड़ी इलाका भी नागपुर शहर में समाविष्ट कर लिया गया जो पहले ग्रामीण में आता था। इस विस्तार की वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी नजर आती है। इसमें कोई शक नहीं कि रिपोर्टेबल क्राइम रेट बड़ा दिखाई देता है। 6 वर्षों से महाराष्ट्र के गृह मंत्री नागपुर से ही है। पहले पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के पास यह विभाग था। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद अनिल देशमुख के पास गृह विभाग है। उनके प्रयासों के बाद भी अपराधों पर कुछ भी लग गया, जिसके विभिन्न कारण हैं। नेता पुलिस व अपराधियों के मिलीभगत तोड़ने की बड़े पैमाने पर कोशिश हुई। यह गठजोड़ टूटा भी लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया। 2019 में प्रति 1 लाख की आबादी पर होने वाली हत्याओं में नागपुर दूसरे नंबर पर आया है। यहाँ 1 लाख जनसंख्या पर 3.7 हत्याएं हुई। ये बात तो तय है कि अपराध कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकते, किंतु उनकी तादाद जरूर घटाई जा सकती है। अपराधी गुटों की वर्चस्व होड़ व बदले की भावना से ये सारे खून खराबे होते हैं और इसी भावना को कम करने की जरूरत है। देखना अब ये है कि राज्य के गृह मंत्री का शहर कहे जाने वाले नागपुर में किस तरीके से पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार व नागपुर पुलिस इन गुनाहों को कम करेगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी आपसे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।